अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के पैर की हड्डी टूट गई। अपने कुत्ते मेजर के साथ खेलते वक्त उनका पैर फिसल गया और बाइडेन हादसे का शिकार हो गए। अधिकारियों के मुताबिक बाइडेन के दाहिने पैर की हड्डी में क्रैक आया है। वहीं हादसे के बाद अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। डॉक्टर केविन ओ'कॉनर ने कहा कि उनके पैर में मोच आई है, जिस वजह से एक्सरे में ये पकड़ में नहीं आ पा रही है। हालांकि बाद में किए गए सिटी स्कैन में खुलासा हुआ है कि बाइडेन के दाहिने पैर की हड्डी टूट गई। उन्होंने कहा कि बाइडेन को आने वाले कई हफ्तों तक सहारा लेकर चलना पड़ सकता है। आपको पता हो 20 जनवरी को बाइडेन को संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। 78 साल की उम्र में वो अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति होंगे। बहरहाल अब बाइडेन पूरी तरह से कब तक फिट होते हैं ये देखना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।